रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 75 जिलों की 75 खबरों की। यूपी पुलिस की 1190 टीमें करेंगी तिरंगा मार्च। स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस सुनाएगी शौर्य गाथा। ऐतिहासिक स्थानों पर बैंड डिस्प्ले। नरसिम्हानंद गिरी बोले, तिरंगे का बहिष्कार करो। हर घर तिरंगा अभियान पर कहा, इस तिरंगे ने हिंदुओं को बर्बाद किया। भगवा ध्वज लहराए। फिरोजाबाद में आजादी के अमृत महोत्सव पर हुई मैराथन। 5 किलोमीटर लंबी रेस में एसएसपी के साथ दौड़ी पुलिस। 17 अगस्त तक होंगे विभिन्न आयोजन। MP5 गन से की थी दनादन फायरिंग, दो हिरासत में। 2014 का है वायरल वीडियो। आर्मी के कैप्टन दोस्त की मदद से की गोलीबारी। रामपुर में फिर मिला ISIS का धमकी भरा खत। ASP ने हैंडराइटिंग का मिलान कर परिवार के एक युवक को लिया हिरासत में। आगरा में भतीजे ने चाची के चाकू से गोद कर मार डाला। खाना देने गई थी, कमरे में बनाया बंधक। पत्नी को मायके भेजने से था नाराज। और अयोध्या जिला प्रशासन ने किया मैराथन दौड़ का आयोजन। अमृत महोत्सव के अवसर पर फहराया जा रहा तिरंगा। DM SP के साथ लोगों ने लगाई दौड़। लखनऊ के चिनहट में युवक की ईंट से कुचल कर हत्या। खाली प्लॉट में मिला शव। शनाख्त का प्रयास। CUET की परीक्षा केंद्र के हॉल में एंट्री नहीं, सैकड़ों की संख्या में छात्र मौजूद। पहले भी बढ़ चुकी है परीक्षा की तारीख। सुर्खियों में गाजीपुर का बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग DCPO की व्हाट्सएप चैटिंग आई सामने। शादी के नाम पर आंगनबाड़ियों से की गई वसूली। रक्षाबंधन मनाने गए परिवार के यहां चोरी, कुंडी काट कर लाखों की ज्वेलरी कैश फरार। बिजनौर में हुई हाफ मैराथन दौड़, अफसरों ने लिया भाग। हाथों में तिरंगा लेकर भागते नजर आए। अम्बेडकर नगर में मैराथन दौड़ का आयोजन। आजादी का अमृत महोत्सव पर आयोजित प्रतियोगिता में प्रथम 5 प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। कन्नौज में दो पक्षों में हिंसक झड़प चली गोली। पुराने विवाद को लेकर हुई कहा सुनील, चले लाठी डंडे। मोहल्ले में फोर्स तैनात। अयोध्या में सड़क हादसे में श्रद्धालु की मौत। अज्ञात ट्रक ने मारी टक्कर, एक की मौत, एक की हालत गंभीर। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने किया ट्वीट, कश्मीरी पंडितों का किया समर्थन। लिखा, क्या सुरक्षित और बेहतर जीवन भारतीय नागरिक का अधिकार नहीं। सरकारी एम्बुलेंस रेफर मरीजों को पहुंचा रहे प्राइवेट अस्पताल। झांसी में एम्बुलेंस से मरीजों को शिफ्ट करने के 2 दिन में 3 मामले। बिजनौर में पुलिस की गाड़ी ने बाइक को मारी टक्कर, 2 गंभीर घायल। ग्रामीणों और पुलिस कर्मियों की नोकझोंक। एटा में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी गिरफ्तार, पैर में लगी गोली, साथी फरार। अलग अलग थानों में दर्ज 20 मुकदमे। गाजियाबाद में हुक्का बार में पुलिस ने की छापेमारी, रेस्टोरेंट की आड़ में चला रहा था संचालन कई फ्लेवर के तंबाकू और हुक्के बरामद। मेरठ में 22 साल की युवती की हत्या, हत्यारोपियों ने गर्दन अलग कर 20 सड़क पर फेंका शव। शहीद भाई की प्रतिमा पर बहन ने बांधी राखी, शामली के अमित कोरी पुलवामा हमले में हो गए थे शहीद। बहन बोली, बहुत याद आती है उनकी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर सवारियों से भरी बस खाई में गिरी, दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी 22 सवारियां घायल। हमीरपुर में तिरंगे रंग में सराबोर हुआ जिला। हर हाथ, हर घर और हर वाहन पे दिखे तिरंगे झंडे। स्वतंत्रता सप्ताह को ऐतिहासिक बनाने की कवायद। अमरोहा में डिलीवरी के दौरान जच्चा की मौत, CHC में परिजनों ने 3 घंटे तक किया हंगामा, बोले डॉक्टरों ने की लापरवाही। 15,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया तिरंगा, AGRDE के जवानों ने आसमान में बनाया तिरंगा। स्काई डाइवर्स का वीडियो सामने आया। बांदा नाव हादसा, 17 अभी भी लापता। अब तक 3 शव यमुना नदी से निकाले गए, NDRF SDRF का ऑपरेशन जारी। मथुरा में लंपी स्किन बीमारी, पशुओं में फैल रही लंपी बीमारी से बचाव में जुटे मथुरा वेटरनरी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक।
मेरठ में पति के उत्पीड़न से परेशान पत्नी ने लगाई फांसी, बच्चे ना होने से ससुराल में किया जाता था परेशान, 16 साल पहले हुई थी शादी। बरेली के डीएम ने कहा स्वतंत्रता सप्ताह तक अफसर नहीं छोड़ेंगे मुख्यालय, शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के मूर्ति स्थल को साफ करने के निर्देश। अलीगढ़ में आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर मैराथन दौड़ का आयोजन, पीएसी और पुलिस के जवान हुए शामिल। अमेठी में हर घर तिरंगा के सप्ताह दिवस के पहले दिन एसपी ने पुलिस कर्मियों के साथ हाफ मैराथन में लिया हिस्सा, हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। औरैया में डीएम और एसपी के नेतृत्व में मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन, आयोजन के दौरान तमाम पुलिस अफसर रहे मौजूद। बदायूं में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार की मौत, परिवार में मचा कोहराम, बदायूं से आ रहे युवक को ट्रक सवार दे रौंदा। अलीगढ़ में रक्षाबंधन त्योहार के चलते बहनों को रोडवेज बसों का करना पड़ा घंटों इंतजार, अलीगढ़ में सौगात में 3 रोडवेज दी गई बसें। और एमए शासन द्वारा निकाली गई तिरंगा कावड़ यात्रा, थाना अध्यक्ष राम साया पटेल ने कावड़ भक्तों और आम जनमानस को फल वितरित किए। चंदौली में कई महीनों से विद्यालय नहीं आ रहे प्रधानाध्यापक, गुस्साए ग्रामीणों ने बीईओ के सामने जताया विरोध, विद्यालय में की तालाबंदी। गाजियाबाद के लोनी में 65 वर्षीय बुजुर्ग का शव मिलने से फैली सनसनी, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। अलीगढ़ में राशन डीलर के द्वारा फ्री वितरण किए गए झंडे से ग्रामीणों के चेहरे खिले, फ्री राशन के साथ झंडा सभी कार्डधारकों को दिया गया। औरैया में यूनियन जैक उतारते वक्त शहीद हुए थे 6 क्रांतिकारी, प्रशासन ने शहीदों की याद में बनाया स्तंभ। गोंडा में अमृत महोत्सव पर मनकापुर से नगर पंचायत के मुख्य मार्ग होते हुए निकाली गई तिरंगा रैली, ब्लॉक मुख्यालय पर पहुंचकर हुआ आयोजन। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर 3रे फुट ओवर ब्रिज का हुआ लोकार्पण, सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने किया लोकार्पण। अलीगढ़ में स्कूटी सवार युवती से बाइक सवार 2 युवकों ने पर्स मोबाइल लूटा, मौके से हुए फरार, जांच में जुटी पुलिस। औरैया में आजादी का अमृत महोत्सव को लेकर सभी जगह दिखा उत्साह, स्कूली छात्राओं के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा रहा वृक्षारोपण। गोंडा में प्रजापति ब्रह्म कुमारी बहनों ने एसपी गोंडा आकाश तोमर, आईपीएस को बांधी राखी, एसपी ने बहन बेटियों की सुरक्षा के दिलाया संकल्प। हरदोई में हर घर तिरंगा को लेकर पुलिसकर्मियों ने लगाई मैराथन दौड़, एसएसपी गौरव ग्रोवर ने 5 पुलिसकर्मियों को किया सम्मानित। कानपुर में अमृत महोत्सव के स्वतंत्रता सप्ताह के पहले दिन कमिश्नरेट पुलिस ने हाफ मैराथन दौड़ का किया आयोजन, पुलिस कमिश्नर सहित पीएसी के जवान मौजूद। अलीगढ़ में 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में पकड़ा तूल, दर्जनों अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे किया प्रदर्शन। नोएडा में भाई को राखी बांधने जा रही मासूम की दर्दनाक मौत, सांडों ने पटक पटक कर मार डाला, त्योहार पर हादसे का माहौल। और एमएस स्कूटी बाइक की भिड़ंत में दंपति समेत 3 लोग घायल, मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। गोरखपुर में ट्रेन से कटकर 2 की मौत, रेलवे ट्रैक पार करते समय हुआ हादसा, डीएम और एसपी ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। लखीमपुर खीरी में आजादी के अमृत महोत्सव पर पुलिस लाइन से किया गया मैराथन दौड़ का आयोजन, 120 पुलिसकर्मियों द्वारा किया गया प्रतिभाग। मुरादाबाद में लड़के के साथ घर में घुसकर की गई छेड़खानी, थाने में हुई रात भर कोई सुनवाई नहीं, युवती ने आत्महत्या का किया प्रयास। शाजापुर में लॉयंस क्लब शाजापुर शक्ति ने विश्वव्यापी डायबिटीज चेकअप कैंप का किया आयोजन, महिला सदस्यों द्वारा किया जागरूक। लखीमपुर खीरी में अमृत महोत्सव का उल्लास जोश के साथ निकाली गई तिरंगा यात्रा, डीएम ने किया शुभारंभ। श्रावस्ती में चौकी प्रभारी ने बांटा तिरंगा झंडा, तिरंगा वितरण से लोगों में देशभक्ति का बढ़ता जा रहा जुनून। सोनभद्र में हाफ मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का किया गया आयोजन, मैराथन दौड़ में नागरिक पुलिस और पीएसी के कर्मियों द्वारा किया गया प्रतिभाग। अलीगढ़ में महिला के साथ छेड़छाड़ करना मजनू को पड़ा भारी, बीच बाजार मजनू की चप्पलों से पिटाई, वीडियो वायरल। अमेठी में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर, सूचना पर पहुंची पुलिस विधिक कार्रवाई में जुटी।
सोनभद्र में क्रॉस कंट्री दौड़ का किया गया आयोजन। पिपरी नगर पंचायत अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने बच्चों को पुरस्कार देकर किया सम्मानित। अयोध्या में युवक की हत्या के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार, मारपीट में प्रयुक्त लाठी डंडा बरामद। बुलंदशहर में भाई बहन के त्योहार रक्षाबंधन पर खुली परिवहन विभाग के इंतजामों की पोल, रोडवेज बसों पर लटक कर सफर करने को मजबूर है बहने। फरुखाबाद रोडवेज प्रशासन के दावे साबित हुए हवा हवाई, रोडवेज के लाख प्रयासों के बावजूद यात्रियों को नहीं मिल पा रही बसें। यमुना नदी में नाव डूबने से हुआ बड़ा हादसा, 20 से ज्यादा लोगों के डूबने की खबर, बांदा की सीमा में डूबी सवारियों से भरी नाव। बुलंदशहर में रोडवेज बस में बाइक सवार 3 युवकों को रौंदा, मौके पर तीनों की दर्दनाक मौत, मृतक के परिजनों में मचा कोहराम। सोनभद्र में एसओजी की टीम और पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 2 नफर अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। बुलंदशहर में डकैती की योजना बनाते 2 शातिरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पुलिस को चकमा देकर 4 अन्य साथी फरार। गोंडा में होल्डिंग लगाते समय हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से मजदूर की दर्दनाक मौत, घटना में 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल। लखनऊ में आजादी का अमृत महोत्सव पर गीत का टीजर लॉन्च, सांसद रवि किशन ने गाया देशभक्ति का गीत। लखीमपुर खीरी में तालाब में मिला युवक का शव, शव पर मिले चोट के निशान, मृतक के परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। लखनऊ के ईदगाह ऐशबाग से निकाली गई तिरंगा यात्रा, मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली के नेतृत्व में निकाली गई यात्रा। बुलंदशहर में आर्मी की तैयारी के लिए दौड़ लगा रहे युवकों को तेज रफ्तार रोडवेज बस ने कुचला, हादसे से गुस्साए लोगों ने हाईवे पर लगाया जाम। श्रावस्ती में शांति एवं सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश, सिरसिया पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर व्यक्ति को किया गिरफ्तार। प्रयागराज एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, जाली नोट तस्करी के गिरोह के 2 सदस्यों को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। श्रावस्ती में स्वतंत्रता सप्ताह के तहत हाफ मैराथन का किया गया आयोजन, मैराथन में पीएसी और पुलिस जवानों ने लिया हिस्सा। पिछहत्तर जिलों की 75 खबरों में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।